आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो आपको जानकारी दी जाएगी वह सैथवार मल क्षत्रिय समाज के बारे में होगी। उसका एक खूट है वंचरहा क्षत्रिय नागवंश, और यह जानकारी आपको गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों के इतिहास पुस्तक से दी जा रही है। और यह जानकारी जो भी है प्राचीन जानकारी है, बहुत प्राचीन है। रामायण और महाभारत काल में भी इन क्षत्रियों का जिक्र है और बौद्ध के बहुत पहले का है। वंचरहा ये लोग हाटा तहसील के पश्चिमी भाग और सदर तहसील में प्रधानतः बसे हुए हैं। वंचरहा नामक स्थान से ये और जगह फैले हुए हैं, इसीलिए ये वंचरहा कहलाते हैं। यह जिस जगह से पहले थे, इनकी पहले जहाँ बहुतायत संख्या थी उसका नाम वंचरहा था, इसीलिए ये वंचरहा कहलाते हैं। इनका निवास क्षेत्र प्राचीन राम जनपद में पड़ता है, इसीलिए इनका मूल वंश क्षत्रिय नागवंश है और प्राचीन राष्ट्र राम जनपद और इनका गोत्र कश्यप है। गोरखपुर में इनकी संख्या 534 और सारण में 222 है। संपूर्ण जनसंख्या 756 है। जनसंख्या काफ़ी प्राचीन है, प्राचीन जन किताब भी प्राचीन है, इसीलिए प्राचीन जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ये नीचे लिखे गाँव में बसे हुए हैं। गाँव का नाम इसीलिए बताया जा रहा है ताकि इस गाँव में बसे लोग जान सकें कि हमारा खूंट क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हमारा वंश क्या है। इनका गांव वंचरहा जो कि इनका मुख्य गांव है, बाकी वहां से हर जगह फैले हुए हैं। मरार, झंगा, मुड़ीला, लेहनी, जमुआ, शेखपुरवा, पेमली, कमरकरही, कमकरही, बरवा, बिलवा, असना, बसहा, जगदीशपुर और मझवलिया, यह इन गांवों में बसे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके आपको जो जानकारी चाहिए वह ज़रूर बताइएगा ताकि आपके कमेंट के अनुसार जानकारी दी जा सके। धन्यवाद। जय भवानी।